राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है टीनू आनंद के ऊपर होगी। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं श्री आनंद। अभिनेता से जो है टीनू आनंद ज़्यादा फिल्म निर्देशक के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में जो हैं हास्य फिल्में ही होती हैं। पूरा नाम जो है वीरेंद्र राज आनंद। जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1945 को बॉम्बे स्टेट यानी जो फिलहाल मुंबई है। आवास मुंबई। राष्ट्रीयता जो भारतीय है। अन्य नाम जो है टीनू आनंद। शिक्षा जो है मायो कॉलेज अजमेर राजस्थान से इन्होंने पूरी की है। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और कॉमेडियन हैं। प्रसिद्धिकरण जो है कालिया, घातक, शहंशाह, मेजर साहब जैसी फिल्मों के लिए। जीवन साथी जो है शहनाज आनंद और बिट्टू आनंद। इनकी प्रमुख फिल्म जो है पापी गुड़िया, इंस्पेक्टर ए यादव के तहत है इनकी। टीनू आनंद जो है एक टीवी कलाकार भी हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता जिन्हें हिंदी सिनेमा में वीरेंद्र राज आनंद के नाम से जाना जाता है। टीनू आनंद सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के निर्देशक भी रह चुके हैं, जिनमें कालिया, शहनशाह में, आज़ाद हूँ, मेजर साहब जैसी फिल्में शामिल हैं। टीनू आनंद का जन्म जो है 12 अक्टूबर 1945 को हुआ था। टीनू आनंद जो है लेखक इंदर राज आनंद के बेटे और फिल्म निर्माता बिट्टू आनंद के भाई और जो है सिद्धार्थ आनंद के अंकल हैं। टीनू के पिता जो है हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय और प्रख्यात लेखकों में से एक हैं, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। टीनू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं फिल्म निर्देशन की दुनिया में जाना चाहता हूँ तो वह काफ़ी हताश हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ और नहीं करना चाहता तो उन्होंने मेरी जिद के आगे जो है घुटने टेक दिए और सत्यजीत रे स्कूल में दाखिला दिला दिया। इसके बाद मेरा निर्देशन की दुनिया में दाखिला हुआ बतौर फिल्म निर्देशक। टीनू ने अपने करियर की कई सफल फिल्में जो है निर्देशित की, जिनमें जीना, तेरी गली, ये इश्क नहीं आसान, सीमाबंद और काली आदि शामिल हैं। एक्टिंग करियर की बात करें तो टीनू को एक्टिंग करने का पहला मौका जलाल आगा से मिला। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सारिका, नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में जो लोगों को टीनू का किरदार काफ़ी पसंद आया, उन्हें क्रिटिक्स ने काफ़ी जो है सराहा था। बतौर टीनू ने अपने करियर में कई फिल्में की, इसमें पुक्कम, पुष्पक, अब अग्निपथ, खिलाड़ी, चमत्कार, दिल दिले, कभी ना कभी, सात रंग के सपने, अगली और पगली, दे दनादन, मानसून, विनाशक, दामिनी और अंजाम जैसी फिल्में शामिल हैं। घातक फिल्म में इनका इंस्पेक्टर का रोल तो आपको पसंद आया ही होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ इनके बारे में, आपको जो है ये एक्टर कैसे लगते थे।